वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्ट्रेस स्ट्रेन फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल की इम्पोर्टेंस क्या है। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि जनरल एनालिसिस अप्रोच क्या यूज की जाती है मैकेनिज्म ऑफ मटीरियल से रिलेटेड। और थर्ड पे हम अब इस कोर्स को डिवाइड करेंगे अपने मेजर टॉपिक्स के अंदर जो हम इस सेमेस्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको इल्म है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग साइंसेज बेसिकली किस तरीके से आपस में लिंक होते हैं, उसके ऊपर हम सबसे पहले अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये नॉलेज होता है थ्री मेन सब्जेक्ट्स का, जिसके अंदर हम ठीक है मैथ फिजिक्स और बेसिक साइंसेज। इट मीन्स कि हाउ द फिजिकल वर्ल्ड जो वर्क्स के एक्चुअली जो दुनिया के अंदर चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, जिसके पीछे डेफिनेटली मैथ फिजिक्स और बेसिक साइंसेज की एप्लीकेशन जो अप्लाई हो रही थी। इसी एप्लीकेशन को इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज के अंदर बेसिकली इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मटीरियल साइंस इंजीनियरिंग एंड सम अदर इंजीनियरिंग। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ साइंस दैट वॉज यूज टू फिल द ह्यूमन नीड्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है बेसिकली वो डील करती है दो तरह की बॉडीज के ऊपर, एक रिजिड बॉडीज के ऊपर और दूसरी डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए। रिजिड बॉडीज जो है वो कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल बॉडीज होती है, जो कि आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इनको स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम स्टैटिक्स और डायनामिक्स के जो रूल्स एंड नॉलेज है उसको कवर करते हैं, जो कि आपने अपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर कवर कर लिया होगा। और जो डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं वो रियल बॉडीज होती हैं, जो कि बेसिकली इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पर काज बनती हैं, जो कि आप इस सेमेस्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन से क्या मुराद है जी? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी सब्जेक्ट को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे या उसकी बेंडिंग करेंगे, उस सूरत में जब वो अपनी असल कंडीशन में वापस आ जाएंगे के लिए जो कोशिश करते हैं और वो वापस आ जाए तो उसको हम इलास्टिक डेफॉर्मेशन कहते हैं। और प्लास्टिक डेफॉर्मेशन कब अकर होती है जी? जब आप बॉडी को स्ट्रेच करते हैं या फोर्स जब आप उस पर लगाएं और वो ब्रेक हो जाए और वो वापस अपनी असल कंडीशन में ना आ पाए, उसको हम परमानेंट डेफॉर्मेशन या प्लास्टिक डेफॉर्मेशन। तो मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल जो है बेसिकली फाउंडेशन है ऑल स्ट्रक्चर्स की और मशीन डिजाइन की, जो कि इस डेली लाइफ के अंदर फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो है चीज़ें यूज की जाती है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो भी आपका इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, चाहे वो सिविल से रिलेटेड है या फिर वो कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी मशीन के डिज़ाइन का स्ट्रक्चर जो मटेरियल है उसका डिज़ाइन हो सकता है, उसके ऊपर जब आप एक इंटरनल लोड अप्लाई करते हैं, उस इंटरनल लोड अप्लाई करने की सूरत में उसके ऊपर टॉर्शन, कंप्रेशन और कंबाइन लोडिंग या इन सबको मिला के भी जो फोर्सेस अटैक करेंगी उस बॉडी के ऊपर, उसके नतीजे में क्या है कि बॉडी इंटरनल फोर्सेस मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करती है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी बॉडी स्ट्रेस और स्ट्रेन को प्रोड्यूस करेगी। और वो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है बेसिकली आपके प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। इसलिए कि जो डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन है, यील्ड या फ्रैक्शन, सक्सेस और फेलियर, ये सब चीज़ें यानी सब प्रॉपर्टीज जो है किसी भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की वो डिपेंड कर रही होती हैं उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और परफॉर्मेंस जो है बेसिकली हम ड्राइव कर रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन से। अगर आपकी स्ट्रेस या स्ट्रेन के नतीजे में प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो इट मीन्स कि वो पुअर डिज़ाइन था, वो प्रॉपर डिज़ाइन नहीं किया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की आप कैसे क्लियर करेंगे। तो ये वन बाय वन हम इन डिटेल के साथ इन पॉइंट को आगे गो थ्रू करेंगे अपने सब्जेक्ट के अंदर। तो ये जो कोर्स है जी, हम इसको चार मेन मॉड्यूल के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वाले मॉड्यूल के अंदर हम फंडामेंटल ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में कवर करेंगे, वो क्या होती है। सेकेंड नंबर पर हम जो प्रेशर वेसल्स और टॉर्जन है, थिन वाल प्रेशर वेसल्स जो है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और टॉर्शन से रिलेटेड अपनी नॉलेज को इन्हांस करेंगे। थर्ड मॉड्यूल जो है बीम बेंडिंग से रिलेटेड है। और फोर्थ मॉड्यूल के अंदर हम डिफरेंट फेलियर थ्योरीज जो है उसके ऊपर अपनी स्टडी को गो थ्रू करेंगे।
लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है आपसे कि सिनेरियो वन उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो है वो सिनेरियो वन के अंदर लाइक आ रहा है वो इस तरह से है कि सपोज मेरे पास एक रॉड है अल्यूमिनियम की और जब मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ 10 न्यूटन की इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में उसके नतीजे में मेरा जो सब्जेक्ट है या जो मेरी बॉडी है रॉड की वो ब्रेक हो जाती है एट दिस पॉइंट। अब ये जो ब्रेकिंग हो गई है इसका मतलब है कि ये मटेरियल मेरा ब्रेक हो चुका है, अब वो इस फोर्स से ज़्यादा फोर्स को बियर करने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। अगर सेम मैं फोर्स एक और सेम ही मटेरियल के ऊपर अप्लाई करूँ लेकिन उसका जो एरिया है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, इसका एरिया कम है एज कम्पेयर टू द दिस रॉड, इसके नतीजे में क्या हम ये थ्योरी प्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके ऊपर भी जब मैं 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा? ऑब्वियसली नो, इस वजह से इसका एरिया ज्यादा है। तो बेसिकली स्ट्रेस क्या हुई फिर, स्ट्रेस आपकी फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो जितना एरिया इंक्रीज हो रहा है उसी के परस्पेक्टिव में आपकी फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे कि एक रोड जिसका लेट से डायर 5 मिलीमीटर है या 25 सेंटीमीटर है लेट से, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे कि उसके ऑर्डर हमने 10 किलोमीटर की फोर्स पर ब्रेक कर दिया था तो एक और बॉडी जिसका डायल लेट से 50 सेंटीमीटर है तो वो भी उस 10 किलोमीटर की फोर्स के साथ ब्रेक हो जाएगा। तो आया कि इस सब्जेक्ट के अंदर फोर्सेस और सब्जेक्ट का एरिया बहुत मायने रखता है किसी भी स्ट्रेस की कैलकुलेशन के लिए। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वो इस तरह से है कि मेरे पास एक चॉपस्टिक है और मैं चॉपस्टिक को होल्ड किया हुआ है बोथ डायरेक्शन के साथ एट दिस पॉइंट वन और एट दिस पॉइंट, मैंने इन दोनों पॉइंट के ऊपर इसको होल्ड किया, इसको पिक किया हुआ और इसके ऊपर मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ। ड्यूरिंग दैट ट्विस्टिंग चॉपस्टिक जो है वो ओपन हो जाएगी और उसके ऊपर जो है फेलियर अटर हो जाएगा जो कि शीयर स्ट्रेस का बाइस बनेगा। इसी तरह से जो सेकेंड वाला चॉपस्टिक का केस है इसके अंदर मैं इसके ऊपर बेंडिंग की फोर्सेज अप्लाई कर रहा हूँ, अब इस बेंडिंग की फोर्सेज की सूरत में मेरी चॉपस्टिक अगेन ब्रेक हो जाएगी और ओपन हो जाएगी और जिसके नतीजे में फेलियर होगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस होगा। अब यहाँ पे जो मेरी ब्रेकिंग अकर होगी वो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से होगी, जबकि इस टॉर्शन इस ट्विस्टिंग वाले पार्ट में जो मेरे पास ब्रेकिंग होगी वो ट्विस्टिंग की मदद से होगी। ऑल दो ब्रेकिंग दोनों की सेंटर पॉइंट पे होगी लेकिन फर्क ये है कि एक के ऊपर शीयर स्ट्रेस की फोर्स लग रही है और एक के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस की फोर्स लग रही है। तो ये चीज जो है शो करती है कि जब आप किसी लोडिंग के ऊपर अपने मेंबर के सेम मेंबर के ऊपर अगर लोडिंग अप्लाई करते हैं लेकिन कब करते हैं और किस तरह से करते हैं और उसके नतीजे में मटेरियल जो है डिफरेंटली बिहेव करेगा, मतलब दोनों ही चॉपस्टिक थी लेकिन जो लोडिंग अप्लाई थी जो उनकी डायरेक्शन थी वो डिफरेंट थी, कि डिफरेंट होने के परस्पेक्टिव में उसके रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आए। और जो लास्ट हमारे पास थर्ड सिनेरियो है जी ये अगेन बेंडिंग से ही रिलेटेड है लेकिन इसका क्वेश्चन इस तरह से है कि विल चॉपस्टिक फेल एट द एज वेयर द लोडिंग अप्लाई, तो बेसिकली ब्रेक कहाँ से होगी, ब्रेक वो इसके मिडल से होगी, जैसा कि मैंने अभी ऊपर भी बताया कि ये ब्रेक हो जाएगी एट द मिडल। तो ये चीज हमें बताती है कि फेलियर जो है किसी भी मेंबर के वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है एक्सटर्नल लोडिंग के साथ लेकिन ये डिटरमिनेंट नहीं कर रहा कि जो इंटरनल रिएक्शन है वो डेवलप हो रहे हैं इन द मेंबर। तो जब आप अपनी चॉपस्टिक के ऊपर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में एक इंटरनल रिएक्शन डेवलप करेगी बॉडी जिसके नतीजे में आपकी बॉडी जो है वो फेल हो जाएगी, जैसा कि इस सिनेरियो नंबर 3 के अंदर बताया गया। तो हमने क्या बेसिकली इन 3 सिनेरियो से लर्न किया है कि जब इंटरनल फोर्सेज अप्लाई होती हैं आपके सब्जेक्ट के ऊपर तो उसके नतीजे में इंटरनल रिएक्शन जो है वो अप्लाई होगी जिसके नतीजे में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और स्ट्रेस से क्या होगा जी डिफॉर्मेशन होगी, स्ट्रेन होगी और आपका मटेरियल जो है वो फेल हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपके सामने अभी पेश किया है कि जब आप इंटरनली बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे
तो उसके नतीजे में इंटरनल स्ट्रेस, जो इंटरनल रिएक्शन है उसके नतीजे में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और स्ट्रेस से आपकी डिफॉर्मेशन होगी बॉडी के अंदर, बॉडी डिफॉर्म होगी, इसको हम स्ट्रेन का नाम भी कह सकते हैं। और उसके नतीजे में क्या हो रहा है जी, आपका मटीरियल फेल हो रहा है।